प्राणायाम एक मूल्यवान क्रिया है। इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। गंभीर योग साधक हो या प्रारंभिक योग अभ्यासी, शारीरिक स्वास्थ्य का इच्छुक हो या मानसिक स्वास्थ्य का, बालक हो या वृद्ध, युवा हो या प्रौढ़, स्त्री हो या पुरुष, बुद्धिजीवी हो या श्रमजीवी, यह सब के लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक क्रिया है। आज हम आपको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो कई आश्चर्यजनक लाभ मिल सकते हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए नेत्र बंद कर लें, श्वास को लेना चालू करें और इसे आधा ही भरें, अर्थात जितना आप श्वास भर सकते हैं अधिकतम से अधिकतम उसके आधे में ही रुक जाएं। इस स्थिति में श्वास को रोककर दम घुटते तक रोके रहें। जब श्वास रुका हुआ हो उस समय अपने मन और विचार को पूरी तरह खाली हो जाने दें, पूरी तरह शून्य, और उस शून्य में डूब जाएं। जब लगे कि अब इससे ज्यादा श्वास नहीं रोका जा सकता तो धीरे से श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और पुनः यह क्रिया करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन लोगों को ध्यान लगाना नहीं आता वे आती जाती श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाए वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि मुद्रा में हो इसका विशेष ध्यान दें। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम से शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने वाला यह प्राणायाम है। देह में संजीवन शक्ति का संचार हो जाता है, मन की प्रसुप्त शक्तियां जाग उठती हैं, शरीर शुद्ध, पवित्र, बलवान, तेजस्वी तथा कांतिमान बन जाता है। शरीर की सब मांसपेशियां संपुष्ट हो जाती हैं। शरीर में परिभ्रमण करने वाला रक्त शुद्ध व विकार रहित हो जाता है। इस प्रकार यह प्राणायाम सभी धातुओं के मलों को दूर करके वीर्य को शुद्ध, पवित्र कर ओज रूप में परिणित कर जीवन को सुखमय बना देता है। मन की एकाग्रता काफी बढ़ जाती है। शरीर में प्राणवायु अधिक मात्रा में भर जाता है। नस नाड़ियों के मल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन में विचारों का आना जाना खत्म हो जाता है। इससे आपका आभा मंडल फैलता है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का विकास होता है। शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। यह मन को संतुलित करता है, चिड़चिड़ापन और क्रोध को भी शांत करता है और अवसाद के भाव को नष्ट करता है। यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करने वाला प्राणायाम है। रक्तचाप के स्तर को भी कम करता है। स्तंभ का अर्थ होता है जहां का तहां, अर्थात जहां है वहीं पर रुकना। जब हम प्राणवायु को न भीतर भरते हैं और न ही बाहर निकालते हैं, अर्थात जहां पर प्राणवायु है उसे वहीं पर रोके रहते हैं एक स्तंभ की तरह, और इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत हो जाती हैं, इसलिए इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। यह एक आसान सा प्राणायाम है। इसके लिए किसी विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। फिर भी अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम एक अनोखा, अनसुना लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है, जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं।
तो यह था स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।